अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा सी एस एस एलिमेंट्स के अंदर इस वक्त जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। हम लोग ये देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे सी एस एस एलिमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। और मैं रिपीट कर दूं कि ये चीज़ याद रखें कि हम लोग इस वक्त जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग सी एस एस एलिमेंट से रिलेटेड जितना भी काम कर रहे हैं, ये काम हमारे हर एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट करेगा। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू कि ये एंकर के टैग में काम करेगा या डिफ के टैग में काम करेगा कि नहीं, इमेज के टैग में काम करे। ये हर टैग के अंदर, ये सी एस एस एलिमेंट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स हर टैग के अंदर एप्लीकेबल हैं। ये प्रॉपर्टीज हर टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि डिस्प्ले करता क्या है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी करती क्या है। यूज होती है जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये एलिमेंट जो है, जो HTML का जो एलिमेंट है, लेट से हमारा इमेज का टैग है, हमारा डिव का टैग है, हमारा एंकर का टैग है, हमारा इनपुट का टैग है, लेबल का टैग है, ये टैग जो है ये रेंडर कैसे होंगे, डिस्प्ले कैसे होंगे, दिखाई कैसे देंगे, क्या होगी इनकी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मैं अपने कोड में जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक हम छोटा सा कोड लिखते हैं। ठीक है। उस कोड के अंदर हम और कुछ भी नहीं करेंगे। ऑल दैट वी नीड टू हैव के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बनाएंगे। ओके, और हम लोग ये अपनी स्टाइलिंग बनाएंगे डिस्प्ले। अब ये देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि लेट्स से मैं H1 का टैग लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यूजर्स, और मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या करता हूँ कि बटन लगाता हूँ। ठीक है। और बटन कहता हूँ कि क्रिएट न्यू। ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि दैट्स टाइप इज इक्वल्स टू बटन। ठीक है। अब मैं इसको अगर अपने पास लाइव सर्वर लॉन्च करके इस पेज को देखूं, तो ये देखिए हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि, और मैं डेवलपर टूल यानी कि F12 भी प्रेस कर दूं, इट्स क्वाइट इजी। तो हम लोग यहाँ पे अपना इंस्पेक्टर, ये पेज इंस्पेक्टर होता है, ये जो सिलेक्टर है, पेज इंस्पेक्टर को लेके अगर हम लोग इसके ऊपर लेकर आए, बटन के ऊपर लेकर आए, तो हमें पता चल रहा है कि H1 और बटन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लिखे, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। ऑल द चेंजेस आर मेड के इनकी रेंडरिंग कैसे हो रही है। रेंडरिंग से मुराद क्या है कि जो मैंने H1 का टैग लगाया है, H1 के टैग को देखें, अगर आप गौर से देखें तो H1 का टैग पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर गया और इसने अपनी उस लाइन में कोई और एलिमेंट नहीं आने दिया, और बटन का जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ये जो बटन का एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पर चला गया, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये डिस्प्ले स्टाइल्स हैं डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कौन कौन से स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल क्या है कि कुछ एलिमेंट्स के डिफॉल्ट स्टाइल हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास इन लाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुराद क्या है, जैसे H1 इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी कि जिस वक्त ये डिस्प्ले होगा, जिस वक्त इसे लिखा जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये उस लाइन में किसी और एलिमेंट को शो नहीं होने देगा। ठीक है। इट विल ऑक्यूपाई द कंप्लीट लाइन ऑन दैट UI ऑन दैट पेज। और ये अगला एलिमेंट होगा बटन है, इमेज है, एंकर है, व्हाट एवर द नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन टू इट, नॉट नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट लाइन टू इट। ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास डिस्प्ले की कितनी चीजें हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले नन, ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जो H1 का जो टैग है, ठीक है, मैं इस टैग को ये कहता हूँ कि यहाँ पर आके इसको डिस्प्ले, और मैं इनलाइन कर दूँ। जो ही इसको इनलाइन करूंगा, चूंकि बटन का टैग मेरा एक इनलाइन टैग है, बाय डिफॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है दैट इज एन इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। तो अगर ये इनलाइन ब्लॉक है तो इसका मतलब ये है कि ये इनलाइन शो हो जाएगा पिछले एलिमेंट के साथ, जो ही H1 का टैग खत्म होगा अगला एलिमेंट बटन का शो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन H1 के टैग के खत्म होते ही बटन का टैग शो होने का मतलब ये है कि मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स बना दिया है, ये
एलिमेंट्स की आपस में, अब ये चीज नहीं है कि एक ब्लॉक लेवल पे चला गया और एक लाइन लेवल पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर ये कहता हूँ कि इनको दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को, इट विल बी लाइक दिस। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ कि स्पैन का टैग लगाता हूँ, ठीक है, एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशंस, ठीक है, स्पैन का टैग को देखें, दिस इज एन, ये बटन के टैग के बिल्कुल आगे शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों टैग्स के हैं, इनलाइन टैग्स हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हमने कल कुछ इमेजेस रखे थे, ठीक है, थ्री बैकग्राउंड्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, इन इमेजेस को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और अपने एलिमेंट्स के अंदर, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे इमेजेस को फोल्डर बना के मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे कोई इमेज का टैग बनाता हूँ, इमेज, ठीक है, इमेज सोर्स, सोर्स में मैं ऐसा कहता हूँ कि डिस्प्ले इमेजेस के अंदर BG1, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज BG1, हम लोग ऑलरेडी ठीक है। अब ये देखें, अच्छा ये मैंने BG1 शो किया है, तो अगर मैं अपने पास आके देखूँ तो मेरे पास इमेजेस हैं क्या क्या, तो इसको कहते हैं व्यू के अंदर मैं जाता हूँ लार्ज, ठीक है, हम लोग png.png, इट्स नॉट शोइंग, BG, ठीक है, ये तो BG1 कर लें ताकि हम कुछ छोटा इमेज लेकर आए यहाँ पे, यस, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो इमेज है बिल्कुल, ये देखिए, ये इनलाइन शो हो गया ना उसके साथ, ठीक है, जो ये स्पैन का टैग खत्म हुआ तो इमेज आगे शो हो गया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार, ये इमेज ऐसे इनलाइन नहीं शो होना चाहिए, इस इमेज को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इमेज के टैग के अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के इसे कहूँगा डिस्प्ले ब्लॉक, देखिए ये नेक्स्ट लाइन में जो है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो डिस्प्ले में हमारे पास क्या है, डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। फिर डिस्प्ले की अगली प्रॉपर्टी आती है कि हम लोग कहते हैं डिस्प्ले नन, जब डिस्प्ले नन लगा देते हैं तो वो एलिमेंट कभी भी शो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि वो एलिमेंट हमारे पास हमारे एचटीएमएल पेज का पार्ट रहेगा, लेकिन वो शो नहीं होगा, ठीक है, और हमारी जो लुक एंड फील है पेज की उसको बिल्कुल खराब नहीं करेगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, मैं इसको ये कर दूँ कि एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी को मैं हिडन कर दूं, ठीक है, अब क्या होगा, जब विजिबिलिटी हिडन हो जाएगी तो ये चीज मुकम्मल तौर पे हमारे पेज से भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये जो चीज है, ये देखें, ये चीज हमारे इस वक्त पेज में भी, हमें बिल्कुल विजिबिलिटी हिडन करने का मतलब ये है कि ये हमारे डॉम को भी इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं तो ये हमारे डॉम को इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे डॉम के अंदर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, हिडन है, ठीक है, डिस्प्ले नन हुआ है, हमारे डॉम का पार्ट है। सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले है, ग्रिड है, फ्लेक्स है, टेबल है, ठीक
ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं आगे, जैसे ग्रिड, फ्लेक्स एंड टेबल, ये तीन ऐसे स्टाइल्स हैं जो जब हम लोग रिस्पॉन्सिव सीएसएस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम इसको कवर करेंगे। ग्रिड्स कब यूज होते हैं, जब हमने रो एंड कॉलम्स के ऊपर हमने शो करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका जो बूट स्ट्रैप है ये ग्रिड लेआउट के ऊपर बना हुआ है, ग्रिड डिस्प्ले के अंदर बना हुआ है। फ्लेक्स जो है वो सिर्फ रोज पे चलता है या कॉलम्स पे चलता है, एक वक्त में एक पे चलता है। टेबल नाम से पता है, टेबल्स बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले इन लाइन हमने कर दिया। बाय डिफॉल्ट डिव का जो डिफॉल्ट डिस्प्ले है दैट इज अ ब्लॉक, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इसकी डिस्प्ले बिहेवियर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, डिव का टैग लगा के डिस्प्ले इन लाइन कर देंगे तो वो इन लाइन शो होना शुरू हो जाएगा। दैट इज अ वे कि हम लोग अपने पास डिस्प्ले एलिमेंट कैसे कैसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिस्प्ले के बाद हमारे पास है दैट इज़ द पोजीशनिंग, एलिमेंट्स की पोजीशनिंग हम लोग कैसे कैसे करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।